से वाल्मीकि मुनि के प्रश्न और नारद मुनि का उत्तर है। वाल्मीकि मुनि का प्रश्न कि अरे क्या सही में कोई सारी चीजें वो बदल है, क्या क्या चाहिए उनको अपने हीरो में, और नारद मुनि तुरंत आंखों में आंसू भर करके कहते हैं यस देयर इज समवन हु फुलफिल्स एवरीथिंग एंड दैट इज लॉर्ड राम। सो हम देखते हैं कि एक शिष्य जो है उसका हृदय एक कटोरे के समान है। तो जितना एक शिष्य अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति रखता है उतना उसका वो कटोरा बड़ा होता जाता है। सो हृदय ये गुरु भक्ति और नम्रता इन दोनों से बड़ा होता है। तो जितनी ज्यादा शिष्य में गुरु के प्रति भक्ति है, शास्त्र भी कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। सो यस्य देवे परा भक्तिर, जिस प्रकार से एक जीव भगवान के प्रति परा भक्ति करता है, यथा देवे तथा गुरौ, जिस प्रकार से वो भगवान की सेवा करता है उसी प्रकार से वो जब गुरु की सेवा करता है, तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः, तभी उसके जीवन में वेदों का और शास्त्रों का निचोड़ आकर के रुकेगा। अन्यथा वो केवल सुनेगा लेकिन वो बाकी पोपट पंची करेगा। जैसे हम कुछ कहते हैं ओ हरि बोल, तोता भी कहेगा हरि बोल हरि बोल, लेकिन तोते के हरि बोल कहने में और व्यक्ति के हरि बोल कहने में बहुत अंतर है। एक भक्त मृत्यु के समय में हरि बोल कह सकता है, लेकिन तोता बाकी सब समय हरि बोल कहेगा, लेकिन कोई उसकी गर्दन काट रहा होगा पकड़ के तो वो ट्राउ ट्राउ ही करेगा, उस समय हरि बोल नहीं कहेगा। तो वैसे ही गुरु एक आदर्श भक्त है और इसलिए वो भगवान से अभिन्न है। ऐसी अवस्था में जब शिष्य जिस प्रकार भगवान का सेवन और स्तवन करता है उसी प्रकार से जब गुरु का सेवन और स्तवन करता है तब वो महान होता है। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य इनके हृदय आपस में मिले हुए होते हैं और यही चीज हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि के प्रश्न पर नारद मुनि तुरंत अपने हृदय के दरवाजे को खोल देते हैं, भाव विभोर होकर के कहते हैं कि यही वो राम है जो आपके सारे गिवन डेफिनेशन में फिट होते हैं। और ये कह करके नारद मुनि चले जाते हैं और वाल्मीकि ये अपने गुरु के बारे में सोच करके धन्य हो रहे हैं, अपने गुरु की भक्ति, अपने गुरु की भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा अपने गुरु के उनके शिष्यों के हृदय में सही में क्या चल रहा है ये जानने की उनकी प्रगल्भता और उन कठिनाइयों को पूरी तरह से मतलब पिन पॉइंटेडली एड्रेस करके कहीं पर संदेह हो तो उन्हें काटने की क्षमता, और अगर सही में कुछ अगर सम नरिशमेंट इज रिक्वायर्ड वो नरिशमेंट देने की जो कैपेसिटी है नारद मुनि में, ये देख करके वाल्मीकि जी को अपने पे बहुत संतोष हुआ। अरे मेरा कितना महान भाग्य है कि मुझे नारद मुनि जैसे गुरु मिले हैं। और वाल्मीकि मुनि में कोई साधारण शिष्य नहीं है, उनके अपने कई सारे शिष्य हैं जिनमें से एक है भरद्वाज। सो एक दिन भरद्वाज और वाल्मीकि दोनों ही प्रातः स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे आते हैं।
तमसा नदी के किनारे बहुत सुंदर विहंगम दृश्य है। प्रकृति अपने सारे साजो सामान को खोल करके बैठी हुई है। सामने तमसा नदी अत्यंत ही स्वच्छ निर्मल शीतल जल लेके संत प्रवाह से बह रही है। ऐसे में सुबह वाल्मीकि और भरद्वाज दोनों ही स्नान करके अपनी प्रातः विधि करके भगवान की सेवा करने के लिए मंत्रोच्चारण करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि इस तमसा नदी के किनारे एक वृक्ष पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा है। क्रौंच यानी क्रेन, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मैथुन क्रीड़ा में व्यस्त हैं। एक दूसरे को पुकार रहे हैं, एक दूसरे के गले में गले डाल करके फॉर्मेशंस बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। तभी एक तीर आता है और नर क्रौंच पक्षी के हृदय में लग जाता है, और वो नर क्रौंच पक्षी उसी समय उस आघात को सहन नहीं कर पाता। वह अपने ऊपर के घोंसले में से नीचे जमीन पर गिर जाता है और तत्क्षण अपने प्राण त्याग देता है। मादा क्रौंच पक्षी ये देख करके अत्यंत विलाप करने लगती है, और ये विलाप करते हुए देख करके वाल्मीकि को अत्यंत क्रोध आता है। वाल्मीकि निश्चित रूप से ये बाण आया है, मतलब किसी शिकारी ने वो बाण छोड़ा है, अपने आप प्रभाव में से नहीं आया। तो वाल्मीकि जी ये बिना देखे कि कौन वो शिकारी है वो उसे श्राप दे देते हैं, और श्राप क्या है, मानिशान प्रतिष्ठाम तमगमह शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि मुनि कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठान, हे निषाद, हे पारधी, हे शिकारी, आप कभी भी अपने जीवन में शांति प्राप्त न करो। ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, श्राप दे रहा हूं। तमगमह शाश्वती समा, मे यू ऑलवेज रिसाइड इन हेलिश रीजन्स, आप सदा नरक वास करो। जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक आप नरक में वास करो। क्यों, यत क्रौंच मिथुनाद, ये जो क्रौंच पक्षी एक दूसरे के अस्तित्व का पूर्ण आनंद ले रहे थे, एकम, उनमें से एक को आपने मार गिराया है। कैसी अवस्था में मार गिराया है, अवधि काम मोहितम, तो अपने काम वासना को पूरा कर रहे हैं। इस पैर में से, इस जोड़े में से एक को आपने तत्क्षण गिरा दिया। एंड फ्रॉम द हाइट्स ऑफ प्लेजर नाउ दे आर completely despicable in the lowest of thoughts of missing each other's association. तो संपूर्ण भौतिक अस्तित्व में सबसे परम आनंद, और वो है काम उपभोग का आनंद, वहां से आपने इन क्रौंच पक्षियों को एक दूसरे से विरह के सबसे परम दुख में डाल दिया। तो इतना हैवी शॉक दिया है, मां निषाद तमगमह शाश्वती सा, मे यू नेवर लिव शांति से, एंड यू ऑलवेज स्टे इन हेलिश रीजन्स। दिखने में तो ये कितना सुंदर, सुनने में कितना सुंदर श्लोक लगता है, लेकिन एक्चुअली है ये श्राप, और इस श्राप से रामायण की शुरुआत होती है। अरे